गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्रिया। हिंदी व्याकरण का क्रिया पार्ट है। तो क्रिया का मतलब होता है कार्य करना, कर्म करना। तो क्रिया आप इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। तो क्रिया की परिभाषा देखिए, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन लिख रहा है, तो क्रिया क्या हो गई इसमें? लिख रहा है ना, लिखने का काम हो रहा है तो लिख रहा है, क्रिया है। नदी बह रही है तो नदी में बहने का काम हो रहा है, तो बह रही है क्या है? क्रिया। अब देखिए क्रिया के भेद। क्रिया जैसे और भी आपके होते हैं, जैसे खाना, खेलना, दौड़ना, लड़ना, हंसना, रोना, सोना, ये सब क्रिया कहलाता है। लेकिन वाक्य के अंदर क्रिया के अभाव में वाक्य की रचना असंभव है, क्योंकि उसमें वाक्य में क्रिया होगी तभी तो वाक्य बनेगा। कुछ ना कुछ हम काम करते हैं, बिना काम के हम कुछ भी नहीं रहते, जैसे क्रिया के साथ ही वाक्य पूरा होता है। अब देखिए क्रिया के भेद होते हैं कितने? दो। पहला है सकर्म और दूसरा है अकर्मक। ठीक है बच्चों, सहकर्मक और अकर्मक। सहकर्मक जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कर्म के साथ। सहकर्मक यानी कर्म के साथ, और अकर्मक यानी कि कर्म के बिना। जैसे कि आपके होते हैं ना सब्जेक्ट यानी कर्ता, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, वर्ब यानी क्रिया, तो वैसे ही देखिए सकर्मक यानी कि सहकर्मक क्रिया के साथ कर्म होता है। जैसे पहला, माँ बालक को सुला रही है। अब माँ सुला रही है किसे? बालक को। तो बालक क्या है इसमें? कर्म है ना, कर्म ऑब्जेक्ट हो गया ये, और सब्जेक्ट क्या है? माँ, और वर्ब क्या हुई? सुला रही, यानी कि क्रिया होती सुला रही। अब देखिए दूसरा, माली पौधों को पानी दे रहा है। तो माली क्या कर रहा है? पौधों को पानी दे रहा है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ? कर्म क्या हुआ? पौधों। और बच्चा खिलौनों से खेल रहा है। खेल रहा है बच्चा, खेल रहा है इतना बोलते तो अकर्म क्रिया हो जाती, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि बच्चा खिलौनों से खेल रहा है, तो खिलौनों क्या हुआ? कर्म है ना। तो ये सकर्म की परिभाषा क्या कह रही है कि सकर्म क्रिया के साथ कर्म होता है। कर्म है ना, इसमें बालक है, पौधों है, खिलौनों है, ये कर्म है। और क्रिया क्या है? सुला रही, पानी दे रहा है, खेल रहा है, ये क्रिया है। तो इसमें सकर्म क्रिया के अंदर हम प्रश्न बनाएंगे कि बालक, माँ किसे सुला रही है या माँ क्या कर रही है, तो उसका हम जब हमें उत्तर मिल जाएगा तो वो सकर्म क्रिया हो जाएगी। जैसे कि माली पौधों को पानी दे रहा है, पौधों को माली क्या कर रहा है? तो माली क्या कर रहा है? पौधों को पानी दे रहा है, लेकिन किसे दे रहा है? पौधों को दे रहा है। तो इस तरह का से हम जो प्रश्न करेंगे, क्या किसे किसको प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, तो वो क्या होती है? सकर्मक क्रिया। वैसे ही बच्चा खिलौनों से खेल रहा है, किससे खेल रहा है? खिलौनों से खेल रहा है, तो खिलौनों क्या है? कर्म, और खेल रहा है क्रिया, तो बच्चा क्या है? सब्जेक्ट, कर्ता हो गया ना। तो ये बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा किससे खेल रहा है? बच्चा क्या कर रहा है? खेल रहा है, लेकिन किससे खेल रहा है? खिलौनों से। इस तरह से जब हम प्रश्न करते हैं, क्या किसे किसको प्रश्न का उत्तर मिलने पर सकर्मक क्रिया हो जाती है। अब देखिए सेकंड आपके है अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया जैसे नाम से पता चल रहा है, अकर्म, बिना कर्म के, है ना। तो अकर्मक क्रिया में, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। जैसे मोर नाच रहा है तो क्या हुआ? ये अकर्मक क्रिया। लेकिन यहाँ पे आ जाता है कि मोर लड़के के साथ नाच रहा है, लड़की के साथ नाच रहा है, कृष्ण के साथ नाच रहा है, कुछ भी अगर बीच में कर्म होता तो वो क्या होती? सकर्म। लेकिन ये कर्म नहीं है, केवल देखिए आपके इसमें क्रिया है और कर्ता है। कर्म नहीं है ना, कर्ता कौन है? मोर। और क्रिया क्या है? नाच रहा, नाचने का काम हो रहा है। अब बालक सो रहा है तो बालक क्या है? करता है ना, वो सो रहा है क्या? क्रिया। तो इसमें कर्म नहीं है। बच्चा रो रहा है तो बच्चा क्या है? करता। रो रहा है क्या है? क्रिया। तो इसमें कर्म नहीं है। जहां कर्म नहीं होता है तो वो क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया। जिससे कोई प्रश्न नहीं बन रहा है कि हाँ किसे किसको किसको, है ना। 90% ये होता है, इसके अंदर 10% कुछ अलग होता है, वो आपको सेकंड पार्ट में बताया जाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो आप वाक्य के द्वारा पहचान लोगे कि किसे कहते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है।
समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।